हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड दीपक कालरा एंड यू आर वाचिंग कैनेडियन वाइफ्स। तो गाइस, बहुत टाइम बाद मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मई का टाइम आ गया है। होपफुली आप सभी लोग अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कंप्लीट करें होंगे। आई नो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहता है सब एग्जाम्स के बाद। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर एक्चुअली स्टडिंग एंड आइदर अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम्स, तो वो ये टाइम पे अपने कोर्सेज कंप्लीट करके कॉन्वोकेशन और जॉब्स के लिए लुकआउट कर रहे होते हैं। तो जब आप जॉब्स के लिए लुकआउट करते हैं, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आती है PGWP। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पे एक वीडियो बनाई जाए, बिकॉज रिसेंटली मैंने भी अपना PGWP अप्लाई किया था एंड PGWP लिया है, एंड कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, बिकॉज अभी कोविड टाइम के बाद में प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। PGWP आने के लिए 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तो बताना अच्छा रहेगा सभी के लिए एंड इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, बिकॉज सबकी कॉन्वोकेशन। मैं भी अपनी कॉन्वोकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी जा रहा हूँ, मेरी भी कॉन्वोकेशन है और आप सबकी भी कॉन्वोकेशन होगी। सो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आना बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज जो भी लोग नए ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके लिए ये जानना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द जॉब्स में आपको अप्लाई करने के साथ साथ PGWP की रिक्वायरमेंट रहती है, और बहुत सारी कंपनीज तो आपको हायर उसी बेसिस पे करती हैं, बिकॉज आप अपना PGWP उनको दिखा सकें ताकि वो आपको ऑफर लेटर इशू कर सकें। सो बहुत इजी प्रोसेस है गाइस। मेरा PGWP ऑलमोस्ट आई थिंक आई रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मैंने अपना PGWP अप्लाई किया था आई थिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी, जब मेरी यूनिवर्सिटी की मेरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद में मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट रिसीव करने के बाद में मेरा PGWP अप्लाई किया था। तो गाइज, आपको इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बता। आपका पासपोर्ट आपको चाहिए, सेकंड नंबर पे आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, एंड थर्ड नंबर पे आपको अपनी डिग्री कंप्लीशन लेटर चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी से, एंड फोर्थ नंबर पे आपके एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है IMM 5710। ये चार चीज़ें चाहिए, एंड फिफ्थ थिंग इज आपकी फोटो। वो तो सबको पता है, आपने अगर अपना स्टडी परमिट अप्लाई किया होगा तो भी आपको पता है कि ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। एंड जहाँ तक की बात आती है ट्रांसक्रिप्ट्स की, कनाडा में जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द कॉलेज, mycredits.ca पे आपको $7 या $8 भरने पड़ते हैं, एंड लाइफ टाइम आप अपने ट्रांसक्रिप्ट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए अपलोड करने के लिए, एंड आपकी यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री कंप्लीशन लेटर मिलता है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी आप ट्रांसक्रिप्ट्स इशू करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स के ऊपर आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप डेट ऑफ कंप्लीशन नहीं है तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड कि आपकी डिग्री कंप्लीट या आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अपना PGWP अप्लाई करना है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको CIC की वेबसाइट पे जाना है, तो cic.gist.ca पे हम जाएंगे। अगर आपका GIC अकाउंट है, आपने अपनी स्टडी परमिट की एप्लीकेशन अपने आप से की होगी तो आपका GIC अकाउंट होगा, तो उसमें साइन इन करना है। मैंने रिसेंटली कल ही एक डमी अकाउंट क्रिएट किया आप लोगों को बताने के लिए कैसे आप PGWP अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज मेरा जो पहले का अकाउंट था उसमें सारी एप्लीकेशन हो चुकी हैं, तो उसमें वो बता भी नहीं सकता कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। लॉग इन करते हैं अकाउंट में। तो जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे तो आपको ये मेन स्क्रीन दिखाई देगी एप्लीकेशंस की। अगर आपकी कोई प्रीवियस एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग में है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो हमको यहाँ पे नई एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है PGWP की, तो हम इस ऑप्शन पे जाएंगे, अप्लाई टू कम टू कैनेडा। आप इस पर क्लिक कीजिएंगे करेंगे। आपके पास कोई रेफरल कोड नहीं है बट यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। तो इसमें तीन ऑप्शन है यहाँ पे, एक विजिटर वीजा स्टडी एंड वर्क परमिट के लिए, सेकेंड ऑप्शन एक्सप्रेस एंट्री, थर्ड ऑप्शन IEC के लिए। तो हम इस ऑप्शन पे जाएंगे बिकॉज हमको वर्क परमिट अप्लाई करना है। देन ये क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर देना वन बाय वन। तो हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं वर्क परमिट का, टेम्परली मोर देन 6 मंथ्स। आप कौन सी कंट्री से हैं? इंडिया। व्हाट इज योर करंट कंट्री? कनाडा। बिकॉज जो भी स्टडी परमिट के बाद में PGWP अप्लाई कर रहा होगा डेफिनेटली ही वुड बी स्टडिंग इन कनाडा। परमानेंट सिटीजन है, कनाडियन सिटीजन होता है, डेफिनेटली मैं क्यों ही अप्लाई करता? नो। आपकी डेट ऑफ बर्थ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगर मैं यूएस सिटीजनशिप होती तो मैं कनाडा आते ही क्यों? सो लेट्स क्लिक नो। तो आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है? आप एज ए स्टडी परमिट पे आए हैं तो आपका स्टूडेंट स्टेटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। डू यू वॉन्ट टू प्लान टू वर्क ऑन कैंपस? नो। तो गाइस पहला ऑप्शन है आर यू अ फुल टाइम स्टूडेंट एंड पार्टिसिपेटिंग पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन वेंट टू वर्क वॉन्ट टू वर्क ऑफ कैंपस अप टू 20 आवर्स पर वीक? नो, बिकॉज हम लोग यहाँ पे वर्क परमिट की बात कर रहे हैं। तो हमने रिसेंटली अपनी स्टडीज कंप्लीट की हैं, हम वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एंड ये लास्ट जो ऑप्शन है इज योर वर्क ऑन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टडीज? नो, बिकॉज ये कोऑप प्रोग्राम के लिए है। तो ये सब एक क्वेश्चनेयर है, आपको वन बाय वन जैसे मैं क्वेश्चंस के आंसर कर रहा हूँ वैसे वैसे करने हैं। आपके पास जॉब ऑफर लेटर है या नहीं है डजेंट मैटर, आप नो क्लिक करेंगे तो भी आपको पीजीडब्ल्यू के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आपको ट्रांसक्रिप्ट जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, आपको ऑफिशियल कॉपी चाहिए होती है ट्रांसक्रिप्ट की, तो वो ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी आपको चाहिए, तो इसलिए मैंने यस क्लिक किया है। आपका मैरिड स्टेटस क्या है? अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल। सो व्हाट इज योर प्रोविंस टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन? इफ यू आर विजिटिंग मल्टीपल प्रोविंसेस सेलेक्ट वन इन विच यू विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। अल्बर्टा से हैं आप, ब्रिटिश कोलंबिया से, आप अपनी प्रोविंस वैसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट अस से मैं ब्रिटिश कोलंबिया सिलेक्ट करता हूँ। तो ये आपको ऑप्शन दिखाएगा पीजीडब्ल्यूपी का। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन है यू आर एलिजिबल फॉर पीजीडब्ल्यूपी। तो कंटिन्यू कीजिए पीजीडब्ल्यूपी की एप्लीकेशन को, कंटिन्यू कीजिए यहाँ पे भी। डू यू हैव एन ऑफिशियल लेटर फ्रॉम स्कूल दैट कन्फर्म्स यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोग्राम? दैट्स योर ट्रांसक्रिप्ट। तो डेफिनेटली आपने एग्जाम्स दे के अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट डेफिनेटली होने चाहिए। हैव यू हैड ए फिजिकल मेडिकल एग्जाम परफॉर्म बाय एन आईआरसीसी ऑथराइज पैनल फिजिशियन विद इन लास्ट 12 मंथ्स? नो, बिकॉज जब हम स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारी स्टडीज के बीच में, अगर आप अंडर ग्रेड स्टूडेंट हैं तो आपको 4 महीने का 4 साल का टाइम रहता है, अगर आप पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट हैं तो आपको 2 साल का टाइम रहता है। तो यहाँ पे नो क्लिक कीजिएगा। और वैसे पीजीडब्ल्यूपी के लिए आपको एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डू यू फिट इनटू एनी ऑफ दिस कैटेगरीज? नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। आप इनमें से किसी काम में जॉब करने वाले हैं? स्कूल टीचर, पे नर्स, लेबोरेटरी? नो। डू यू वॉन्ट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर ए फैमिली मेंबर? नो। अगर आप किसी और से करा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने की जरूरत है। तो मेरे केस में कुछ भी नहीं है, तो मैं नो करता हूं और आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर आपने फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स और ऑब्वियसली आपने अपने स्टडी परमिट के टाइम पे दिए होंगे तो यहाँ पे यस करना है। यस। यस। यस डेफिनेटली वील बी पेइंग थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड। तो ये आपने जो क्वेश्चन किया था ये सब उसके क्वेश्चन आंसर, अगर किसी भी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर किया आप अपनी पीजीडब्ल्यू एप्लीकेशन अप्लाई करने के टाइम पे, तो आप ये मेरी वीडियो आराम से स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल करके इसको रखता हूँ ताकि आपने अगर किसी क्वेश्चन का गलत आंसर किया तो डेफिनेटली आप इसे मैच करा लीजिए। मैच कराने के बाद में आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपके चाहिए होते हैं मुझे पता है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। ये आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है। तो सबसे पहले आपको IM 5710 आपको भरना होता है इसमें, ये कुछ नहीं है, ये आपका एक एप्लीकेशन है छोटी सी, वो आपको फाइल कर फिल करनी है। इसमें आपको ट्रांसक्रिप्ट्स फिल करने हैं अपने, आपको कंप्लीशन ऑफ स्टडी लेटर लगाना है, पासपोर्ट, डिजिटल फोटो। ये TRV के लिए है। TRV आपका बाद में अप्लाई होता है एक्चुअली, जब आपका PGWP हो जाता है। तो फाइनली इसकी फीस आपको पे करनी होती है वर्क परमिट की $155 और ओपन वर्क परमिट होल्डर फी $100। तो टोटल आपकी $255 लगती है। इस तरह से आप अपना पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई कर सकते हैं।
तो गाइज जैसे ही आप ये सब स्टेप्स कंप्लीट करके सबमिट करते हैं, आप अपने PGWP की फी सबमिट करते हैं, नेक्स्ट डे या 2 दिन के अंदर आपके पास CIC की तरफ से एक लेटर आ जाता है जो कंफर्मेशन लेटर होता है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। और उसमें यह भी लिखा होता है कि जब तक IRCC आपकी इस एप्लीकेशन को इवेल्युएट करता है तब तक इस डेट तक आप एडा में ऑफिशियली लीगली काम कर सकते हैं। एंड ये लेटर आपके जो स्टडी परमिट होता है उसका एक तरह से सप्लीमेंट होता है ये। और अगर आपका स्टडी परमिट रहेगा तो डेफिनेटली कोई भी एम्प्लॉयर आपको डिनाई नहीं करता है कि आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज IRCC के पास बहुत सारी एप्लीकेशन पेंडिंग में रहती हैं, तो उनको ये सब प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए रफली 3 से 4 महीने रहते हैं। आपका एक्चुअल PGWP इसके बाद 3 से 4 महीने के बाद ही आता है। तो गाइज आपको आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपके कोई भी फ्रेंड हैं जो अब कनाडा में हैं और ग्रेजुएट हो रहे हैं, PGWP अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, देन डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद दैम। दैट्स ऑल फ्रॉम एंड फॉर द डे। टेक केयर गाइज, रब राखा।